प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे द्वंद्व समास। देखिए, द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद मुख्य होते हैं, और जो सामासिक पद होगा उसमें योजक चिन्ह लगा होगा, जब हम विग्रह करेंगे तो कहीं पर और शब्द आएगा और कहीं या आएगा। देखते हैं द्वंद समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान अर्थात मुख्य होते हैं उसे द्वंद समास कहते हैं। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह, देखिए योजक चिन्ह ये है, लगता है तथा विग्रह करने पर कहीं और तथा कहीं या आता है। अब उदाहरण देखते हैं, कहाँ पर और आएगा और कहाँ पर यह आएगा। माता पिता, बीच में आपको योजक चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, जो दोनों को जोड़ने का कार्य करता है उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। जो डैश होता है ऋण की तरह जो निशान होता है वह योजक चिन्ह कहलाएगा। माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। ध्यान रखें, जहाँ पर दोनों साथ साथ रह सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ पर और आएगा, और जहाँ पर एक रहेगा तो दूसरा नहीं टिक सकता है उसके आगे, वहाँ पर यह शब्द आएगा। जैसे माता पिता, माता और पिता, माताजी भी हैं और पिताजी साथ में हैं, कोई आपत्ति नहीं है। भाई बहन, भाई भी मौजूद है, बहन भी, दोनों साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, ऐसे जो है जहाँ दोनों रहेंगे साथ साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर और लगेगा। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, घर द्वार, घर और द्वार, भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी, लाठी डंडा, लाठी और डंडा, बैट बॉल, बैट और बॉल। यहाँ पर दोनों साथ साथ रहते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए और का प्रयोग हुआ। अब बीच में योजक चिन्ह भी आप देख रहे हैं, विग्रह किया तो और आ गया। अब देखिए कहाँ पर यह होता है, रात दिन, रात या दिन। अब रात हो गई है समय तो दिन नहीं है, दिन हो जाएगा तो रात नहीं होगी, इसलिए जो है जहाँ पर एक रहेगा दूसरा नहीं टिक पाएगा उसके आगे, वहाँ पर यह होगा। लाभ हानि, लाभ या हानि, लाभ होगा तो हानि नहीं होगी, हानि हो रही है तो लाभ नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। जीवन मरण, हम जिंदा हैं तो मरे नहीं हैं और मर जाएंगे तो जिंदा नहीं होंगे, तो जीवन या मरण। जस अपजस, हमको सम्मान मिल रहा है तो अपमान नहीं मिल रहा है, अपमान मिलेगा तो सम्मान नहीं मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए यहाँ क्या हो गया, जस या अपजस। धूप छां, धूप है तो छां नहीं है और छां हो जाएगा तो धूप नहीं होगी, इसलिए यह हो गया धूप या छां। अमीर गरीब, आप या तो अमीर होंगे या तो गरीब होंगे, अमीर गरीब दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं, इसलिए अमीर गरीब में क्या हो गया, अमीर या गरीब। हित अनहित, या तो आप किसी का हित करेंगे या तो अनहित करेंगे, दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हित या अनहित। शेर बकरी, या तो शेर ही रहेगा या तो बकरी ही रहेगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्यों, एक दूसरे को झपट देंगे। अरे बकरी तो शेर का कुछ नहीं कर पाएगी, बल्कि शेर ही जो है बकरी को खा जाएगा, इसलिए जो है दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं, तो शेर या बकरी। तो आप समझ गए, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं, सामासिक पदों में योजक चिन्ह लगा होता है,
ये देखिए, ये बीच में डैश का निशान होता है, ऋण का निशान होता है। जब विग्रह करते हैं तो कहीं पर जो है और शब्द आता है और कहीं या शब्द आता है। जब दोनों साथ साथ रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो वहाँ और हो जाएगा। जहाँ पर एक के आगे दूसरा नहीं टिक पाएगा, उसके जाने के बाद दूसरा आएगा, तो वहाँ पर यह हो जाएगा। तो क्या हो गया? द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो प्यारे छात्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब स्क्रीन ले लें ताकि नोट करने में प्रॉब्लम ना आए।